दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? राम भाई शुरू करो। मैं देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अभिनंदन के लिए कर लूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। और आज दशहरा के शुभ अवसर पे हमारी बहुत ही प्यारी फिल्म छलिया आज उसका प्रीमियर है और आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधु को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रमोद शास्त्री जी, जिन्होंने इसके पहले रब्बा इश्नावा बनाया था, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला था। और सेम प्रोड्यूसर गौतम सिंह हमारे बड़े गार्जियन हैं और काफ़ी प्यार देते हैं। तो चलिया बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है और हमें उम्मीद है कि जैसे आप लोग हर फिल्म को प्यार देते हैं, चलिया आप लोग की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और आप लोग को बेहद पसंद। ये एक बोलते ना होम प्रोडक्शन, जो हम लोग अपना बनाते तो उसको बोलते होम प्रोडक्शन, ऐसा ही हमारा ये स्टार म्यूजिक वर्ल्ड है, ये होम प्रोडक्शन ही समझिए। और ये जो भी हम लोग प्रमोशन से बोलते हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी, इतना मानते हैं, इतना बेटा की तरह मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं। हम जो चीज़ सोचते नहीं हैं वो चीज़ वो फिल्मों में डालते हैं, फिल्म में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और हमको लगता है कि छलिया आप लोग देखेंगे 18 अक्टूबर को जो रिलीज होगी, बिहार झारखंड मुंबई गुजरात में एक साथ रिलीज हो रही है, तो फुल एक्शन, फुल कॉमेडी, फुल रोमांस, मतलब एक इंटरटेनिंग फिल्म है। और हर फिल्मों का उद्देश्य होता है कि एक सामाजिक संदेश, और जैसा कि भोजपुरी को लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में केवल कॉन्सेप्ट पर फिल्म नहीं बनती है, तो ये हमारी जो छलिया फिल्म है ये जाते जाते सामाजिक संदेश भी आपको देख रहे हैं। हाँ यामिनी जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक दशहरा का, और इस अवसर पर आपका प्रीमियर रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले दर्शकों को? और किस प्रकार का आपका किरदार है इसमें थोड़ी सी जानकारी दें, छलिया बलिया ललिया कौन है? दुलिया जी, जी। हमें देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। हमारी बहुत ही प्यारी फिल्म है ये और एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें मेरा रोल थोड़ा सा दबन गई हूँ मैं, जो कि वो मैं एक्चुअली, तो वो मेरा रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है मेरा। एंड दिस फिल्म इज नॉट अबाउट कि किसमें इसमें किसका क्या रोल है। ये फिल्म में एक्चुअली एक बहुत अच्छा सोसाइटी को मैसेज दिया गया है, एक करप्शन एंड ऑल पे। तो ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल रोल नहीं है, तो इसका ऐसा ही है बस। कैसी केमिस्ट्री कैसी है कल्लू के साथ पर्दे पर? वैसे तो बहुत चुलबुला है। साल भर हो गया इंडस्ट्री में, और साल भर में मैंने 7 फिल्में की, 7 में से 5, तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री कितनी अच्छी हो। हम लोग फिल्में कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का जैसे राम जी है, या आप लोगों का मैसेज आता था कि मीडिया से आप लोग कब रूबरू होंगे, और जब भी हम लोग पिक डालते हैं, पत्थर के सनम हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, तो जितने भी हमारे युवा दर्शक है जो हमें पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, बुजुर्ग लोग भी हमारी फिल्म देखते हैं, लेकिन युवा का काफी मतलब ये कमेंट्स आते हैं कि आप लोग मीडिया के सामने कब आपका इंटरव्यू आएगा, फिल्म तो देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। तो फाइनली दशहरा के शुभ अवसर पर हम दोनों आप सबके बीच हैं, और बस यही कहेंगे कि हमें ही नहीं, छलिया की पूरी टीम बहुत मेहनत की है। आप लोग 18 अक्टूबर को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाएं। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आज हर लोग जब भी ट्रेलर रिलीज होता है तो नीचे कमेंट्स में आता है कि यूट्यूब पे पूरी फिल्म कब आएगी, तो आप लोग यूट्यूब का इंतजार ना कीजिए, जाके फिल्म को, फिल्म सिनेमा हॉल के लिए बनता है, थिएटर के लिए बनता है, तो आप लोग थिएटर में जाके फिल्म देखिए। हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से ये निवेदन। निशा, आप अभी युवाओं की बात कर रहे हैं।